Question number 6. In this question, a concept of law, Newton's law of motion lies. We will use Newton's second law of motion in this question. A car of mass 1600 kg is pulling a caravan of mass 800 kg. The car and the caravan are connected by a light rigid tow bar. The resistances to the motion of the car and the caravan are 400 Newton and 250 Newton respectively. Mass of the car is 1600 kg and mass of caravan is 800 kg. The resistance on caravan is on the car is 400 Newton and the resistance on caravan is 250 Newton respectively. A part of this question is car and the caravan are traveling along a straight horizontal road. Given that the car and the caravan have a constant speed 25 meters per second, find the power of the car's engine. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं. स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड. Let this is straight horizontal road. This is a car. Mass of the car is 1600 kg. Let this is a caravan. Iska mass 800 kg hai. Connected by a rigid tow bar, light rigid tow bar. Light rigid tow bar means कि इस tow bar का हमने weight count नहीं करना, light weight है. ये tow bar हम बनाते हैं. This is a tow bar. Mass of the car is 1600 kg. Mass of caravan is 800 kg. Now, resistance on car is 400 Newton. This is the resistance on car, that is 400 Newton. Resistance on caravan is 250 Newton. इनकी direction ये देखें opposite है. Movement उसकी इस side पे है, right पे, और resistances जो हैं वो opposite direction में दोनों की. Car, this is car and this is caravan. अब car, engine of the car, power of the कार्स इंजन जो है वो हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखना है कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, कार का इंजन जो है वो ड्राइविंग फोर्स उसकी क्या होगी. उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे. पी पावर का फार्मूला है, पी इज इक्वल टू एफ इनटू वी. यहाँ पे ये एफ जो है ये ड्राइविंग फोर्स है. तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हमें फोर्स चाहिए कि इंजन की फोर्स क्या है. तो यहां से फोर्स को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं. तो ये फोर्स आ जाएगी पी ओवर बी. तो सो ये कार जो है इसके इंजन की पावर जो फोर्स है वो पी ओवर बी है. पी हमें फाइंड करना है, बी कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, गिवन है 25 मीटर पर सेकंड. तो सो हम यहां पे 25
लिख लेते हैं। तो दिस इज द फोर्स ऑफ द कार इंजन। नो एंड अदर फोर्सेस आर, यहां पे देखें टू बार है, तो टेंशन इस की मूवमेंट जो है कार जो है राइट वर्ड मूव कर रही है, तो इसकी यहां पे टेंशन की डायरेक्शन जो है ना अपोजिट साइड पे होगी, तो टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहां पे कैरोगन की टेंशन की डायरेक्शन जो है वो राइट को होगी क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्ट को है। तो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि ये टेंशन जो है ये कार के लिए, ये टेंशन जो है ये कैरोगन के लिए, ये टेंशन जो है ये कार के लिए, ये टेंशन जो है ये कैरोगन के लिए है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहां पे अप्लाई करेंगे। स्पीड ऑफ द कार एंड द कैरोगन हैव कांस्टेंट स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड मीन एक्सेलरेशन जीरो होगा। V इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, दिस इज कांस्टेंट स्पीड, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। नाउ वी विल यूज हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। राइटवर्ड फोर्स, फोर्स ऑफ द कार इंजन P ओवर 25 माइनस 400 न्यूटन अपोजिट फोर्स है, 250 न्यूटन अपोजिट फोर्स है, T अपोजिट फोर्स है, बट दिस टेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो यूजिंग न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन P ओवर 25 प्लस T माइनस T, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन हैं T की, दोनों की कैंसल आउट हो जाएगी बाद में, माइनस 250 न्यूटन जो कि रेजिस्टेंस है कैरेबन पे, और माइनस 400 न्यूटन कार पे रेजिस्टेंस है, इज इक्वल, दिस इज नेट फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स जो है हमारे पास ये आ गई इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो है तो सो हम यहां पे जीरो लिख देते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट, तो सो वी गेट पी ओवर 25, इनको हम ऐड कर लेते हैं, माइनस 250 माइनस 400, ये बन जाएगा माइनस 650, इसको राइट पे ले जाते हैं 650। तो अब यहां से पी हमारे पास आएगा 650 into 25, so we get P is equal to 16 to 50 watt, but हमें आंसर देना है किलोवाट में, यहां पर लिखा नहीं हुआ, हम इन बोथ वेज आंसर विल बी सेम, हम किलोवाट यहां पर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो सो फाइनली वी गेट पी इज इक्वल टू 1000 पे डिवाइड कर देंगे 16 to 50 को, वी गेट 16.25 किलोवाट, 16.25 किलोवाट, दिस इज द आंसर। द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज the engine's power is now suddenly increased to 39 kilowatt. अब इंजन की पावर जो है इंक्रीज हो गई है। Find the instantaneous acceleration of the car and the caravan and find the tension in the tow bar. अब हमने acceleration find करना है और tension find करनी है tow bar में। अब हम दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे दोनों के लिए, कार और कैरावन के लिए, दोनों के लिए हम अलग अलग से इक्वेशन बनाएंगे। ये पावर अब हमारे पास आ गई है
36 किलो वाट। इसको वाट में चेंज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की वर्किंग में ये यूज करेंगे। पावर को वाट में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 वाट आ जाएगा। नो, अब कार के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे और कैरोवन के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। कार के लिए हमें P ओवर V, ये ड्राइविंग फोर्स है, P ओवर V, P हमारे पास अब 36,000 है, 36,000 ओवर V, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ये है ड्राइविंग फोर्स, पावर ओवर स्पीड। तो कार के लिए इक्वेशन बनेगी, पावर इज 39,000 एंड स्पीड इज 25, कांस्टेंट स्पीड है, -400, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है कार पे 400 न्यूटन है, तो -400 -T, ये टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट है। फॉर कार दिस टेंशन अपोजिट डायरेक्शन, तो सो -T इज इक्वल टू MA, मैस ऑफ द कार इज 1600 A। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई T और A में, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी गेट वन वन सिक्स जीरो -T इज इक्वल टू MA, दैट दिस इज इक्वेशन वन फॉर रेफरेंस। ये हमने कार के लिए इक्वेशन बनाई है। इसी तरह हम कैरबन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। कैरावन के लिए इक्वेशन, उसके कैरावन के लिए ये फोर्स जो है, ये टेंशन जो है, राइटवर्ड है इसकी मूवमेंट, ये देखें मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑन राइट साइड। सो T -250 न्यूटन, ये कैरावन है, इस पे ये टेंशन लग रही है, और अपोजिट फोर्स जो है रेजिस्टेंस है 250 न्यूटन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी बाय यूजिंग नेट फोर्स जो होगी वो होगी T -250 इज इक्वल टू MA, एम एस मैस ऑफ द कैरबन इज 800 A। यहां से हम T को सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू फॉर रेफरेंस। अब हमने इन दोनों ही इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और T फाइंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से T को सब्जेक्ट बना लेते हैं, T आ जाएगा यहां से इक्वेशन नंबर टू से, T को सब्जेक्ट बनाएंगे, T आ जाएगा यहां से 250 प्लस 800 A। अब हम ये T की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर वन में यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, 1160 -T, T इज दिस 250 प्लस 800 A, 250 प्लस 800 A इज इक्वल टू 1600 A। सिंप्लीफाइंग वी गेट 9 10 इज इक्वल टू 2400 A। फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ एज, यहाँ पे 900 को हम
डिवाइड कर देंगे 2400 से, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.379 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये आप हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब हमने टी फाइंड करना, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर टू में, यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा। ये आंसर आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन वी गेट टी इज इक्वल टू 250 प्लस 800, ए इज 0.3792। ये देखें यहां पे हमने राउंडेड फिगर में आंसर दे दिया एक्सेलरेशन का, बट हम नेक्स्ट वर्किंग में राउंडेड फिगर यूज नहीं करेंगे, बट हमें ये फोर डेसिमल प्लेसेस में जो यहाँ इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की आई थी वो राउंडेड फिगर में नहीं लेनी, ताकि ये इसलिए ताकि हमारा आंसर करेक्ट आए, एक्यूरेसी हमारी सही हो, टेंशन की जो आंसर है टेंशन का वो एक्यूरेट आए। तो यहाँ ये वैल्यू यूज करेंगे एक्सेलरेशन की, तो वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट T इज इक्वल टू 553 न्यूटन करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, बी पार्ट इज द कार एंड द कैरवन नो ट्रेवल अप अ स्ट्रेट हिल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 0.05 टू द हॉरिजेंटल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ वी। कॉन्स्टेंट स्पीड मीन एक्सेलरेशन जीरो होगा। द कार इंजन इज वर्किंग एट 32.5 किलोवाट। अब फिर पावर जो है वो चेंज है 32.5 किलोवाट, वर्किंग जब हम करेंगे तो उसको वाट में चेंज कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। हमने कांस्टेंट स्पीड जो है वी से रिप्रेजेंट हो रही है वो हमने फाइंड करनी है, फाइंड वी। इसके लिए इंक्लाइंड प्लेन मोशन है, इंक्लाइंड एट एन एंगल साइन इनवर्स 0.05, ये थीटा की वैल्यू दी है, एंगल दिया हुआ है। थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 0.05, यहां से थीटा फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं हम, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एंगल which is given, this is that this is theta. Now sine theta, it is given that theta is equal to sine inverse 0.05. तो यहां से sine theta की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.05. द कार एंड द कैरवन नो ट्रेवल अप, यहाँ पे वो दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं अलोंग दिस प्लेन, दिस इज द एंगल विद द हॉरिजेंटल कॉन्स्टेंट स्पीड, द कार एंड कार इंजन इज वर्किंग 32.5 किलोवाट, फाइंड वी। फिर से यहाँ पे हम बनाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं हम, दिस इज कैरवन और दिस इज कार। अब फिर हम यहां पे पॉसिबल फोर्सेस जो है यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉसिबल फोर्सेस पॉसिबल फोर्स ड्राइविंग फोर्स
ऑफ द कार इंजन इज पी ओवर वी, पी ओवर वी, दिस इज टो बार डायरेक्शन अपोजिट, दिस टेंशन इज फॉर कार एंड दिस टेंशन इज फॉर कैरावन. टू फिफ्टी न्यूटन रेजिस्टेंस ऑन कैरावन एंड 400 न्यूटन रेजिस्टेंस ऑन कार. दिस इज कार, दिस इज द रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, और 250 न्यूटन फ्रिक्शन है इस पे कैरावन पे. अब यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे वेट, वेट के दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, इसको अलग इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और कार के अलग फाइंड करेंगे. वेट यहाँ पे इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये इसके कंपोनेंट होंगे. वेट इसका है 800 केजी, 800 जी. दिस फोर्सेस एट, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले. ये देखें, ये रिजॉल्विंग होगी, ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन. एंगल वही होगा जो ये है, ये भी एंगल वही होगा. तो सो दिस एंगल इज थीटा, दिस कंपोनेंट विच एक्ट अलोंग द प्लेन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आ जाएगा हमारे पास 800 जी साइन थीटा, बिकॉज मैस ऑफ द कैरावन इज 800, सो दिस कंपोनेंट विल बी 800 जी एम जी साइन थीटा, 800 जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट होगा 800 जी कॉस थीटा, 800 जी कॉस थीटा. इसी तरह हम इसके वेट को भी रिजॉल्व करेंगे, कार के वेट को. वेट इसका मैच 1600 है. ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और ये कंपोनेंट अलोंग द प्लेन है और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. इस तरह ये आ जाएगा वेट इसका है 1600 जी, बट हमने ये कंपोनेंट लिखने हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट जो है वो साइन में आएगा, एंगल वही है बाय यूजिंग एंगल प्रॉपर्टीज. ये एंगल बी थीटा है. दिस कंपोनेंट इज 1600 जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा 1600 जी कॉस थीटा. हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग अलोंग द प्लेन हमने वो लेने हैं. ये कंपोनेंट लेंगे, इधर से ये कंपोनेंट लेंगे. तो अब हम इसकी बनाते हैं इक्वेशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे. यहाँ पे पावर हमें गिवन है, पावर इन दिस पार्ट इज 32.5 किलो वाट. उसको वाट में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3,2,500. दिस इज द पावर वाट, 32,500 वाट ये पावर है कार इंजन में. सो पी ओवर वी माइनस टी प्लस टी माइनस 600, ये दोनों फ्रिक्शन जो है वो हम ऐड कर लेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. तो सो इक्वेशन बनेगी बाय यूजिंग नेट फोर्स जो होगी एक्सेलरेशन
जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सो स्पीड कांस्टेंट की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगी? 32,500 ओवर बी। बी हमने फाइंड करना है, -250 फ्रिक्शन ऑन कैरबिन एंड फ्रिक्शन ऑन कार, वो भी माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस टी माइनस टी, दोनों टी जो है टेंशन फॉर कार एंड कैरबिन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए प्लस माइनस हम ले रहे हैं, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस वेट कंपोनेंट ऑफ दिस वेट कंपोनेंट ऑफ कार एंड दिस वेट कंपोनेंट ऑफ कैरबिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव में आएंगे, -1600 जी साइन थीटा, -800 जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स हमारे पास ये आई है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स जो है हमारे पास ये आई है। अब हम यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस टी और प्लस टी अपोजिट साइन है, इसकी वजह से कैंसिल हो गया, बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32,500 ओवर बी, इनको हम ऐड करते हैं, -250 -400, ये -650 बन जाएगा, पुट इन द वैल्यूज ऑफ जी एंड साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, तो ये -1600 जी साइन थीटा को कैलकुलेट करेंगे, तो ये पहले ऐसे लिख देते हैं 16,000, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन थीटा की वैल्यू 0.05 है, इसी तरह -800 जी की वैल्यू 10 और साइन थीटा की 0.05, राइट साइड पे जीरो आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32,500 ओवर बी माइनस, इन सब को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगा 1850 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो जो राइट साइड पे आए एम ए, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन जीरो होगा, राइट साइड पे जीरो है, तो यहां से इजीली हम बी फाइंड कर सकते हैं। 32,500 ओवर बी इज इक्वल टू 1850 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट बी इज इक्वल टू 32,500 डिवाइडेड बाय 1850, तो फाइनली वी गेट बी कॉन्स्टेंट स्पीड विल बी 17.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स।